चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी हम लोग वापस घर जा रहे थे और रास्ते में हमें मिला है टर्टल, जिसका साइज बहुत छोटू सा है, इत्तू सा इत्तू सा। कर दो इसको साइड पे, किसी चीज के नहीं, उठा के कर दो, ये नहीं ऐसे कर दो साइड पे ले जाओ। और ये है इसकी फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे मेरे भाई से जीप चलाई नहीं जाती क्योंकि हमने इसकी पीटीएम पे जाना है, लेकिन उस तरह वैसे ही बहुत अच्छी चला लेता है क्योंकि अब हम इसकी पीटीएम पे नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया प्लान, क्योंकि इसका जीप नहीं चलानी आती, आती है लेकिन पीटीएम के लिए चलानी नहीं आती इसको। और हमने सोचा हम लोग इधर ही घूम फिर लेंगे। और यहाँ पर जब भी अच्छा मौसम होता है तो सीन इतना खूबसूरत होता है, दिल करता है इंसान देखता ही रहे। अच्छा मेरा तो यही दिल करता है कि मैं देखती रहूँ। अब ये बाहर निकल के भी चला लेगा लेकिन पेटीएम पे नहीं चलाया जाएगा इससे। जिस तरह ये व्लॉग आप अच्छी देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि हम इसकी पेटीएम पे क्यों नहीं गए। आज की अच्छी बात, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक दिन मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी तो मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी, अक्सर उनके पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो एक के पीछे लिखा हुआ था कि नमाज दिन में 5 टाइम पढ़नी चाहिए और 1,24,000 घंटे होना चाहिए। मजा आया। ये है यहाँ की मस्जिद जहाँ पे हम लोग रहते हैं। माशाल्लाह सब इतनी ड्राइविंग सीखी है कि मैं अकेले चला सकती हूँ। अभी तो खैर भाई साथ होता तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन मैनुअल नहीं चला सकती, सिर्फ ऑटो ही। और ये हम लोग जा रहे हैं अपने प्लॉट की तरफ जो हमने तकरीबन थोड़ा सा पीछे करके लिया हुआ है, उधर तो हम लोग जाते ही नहीं है क्योंकि अभी वो खाली जगह ही है। लेकिन आज भी क्योंकि अच्छा मौसम भी है आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हमने प्लान किया कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं। भाई छोटे हो तो उनकी मान ली जाती है, उनकी पीटीएम पर भी नहीं जाया जाता, लेकिन जो बहनें होती हैं उनकी पीटीएम कैंसिल नहीं हो सकती। और खड़ा चढ़ शिकारे मारता मारता जानते हैं गाइस। और ये एक बार मेरी पीटीएम थी जिसके मैंने बहुत मना किया कि मत जाओ, और मेरी मामा लास्ट में गई और भी मुझे साथ लेकर गई और हर एक एक टीचर के पास बिठाकर मेरी इंसल्ट भी करवाई। ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लंबी है, ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको लास्ट में सुनाऊंगी। सारी पीटीएम मुझे भूल सकती है अपने स्कूल की, लेकिन एकेडमी की वो एक पीटीएम उन सब पीटीएम पर था जी वो नहीं मैं कभी भूल सकती। और गाइस हम लोग इसी पेंट शीट पे नहीं आए, ये हम लोग उधर ही आए हैं, प्लॉट पे आए हैं। अब हम लोग जाएंगे आगे आगे। यहाँ पर ना एक नहर सी है, उस नहर के अंदर पत्थर फेंकने का इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, तो मैं यहाँ पे आके हमेशा वो पत्थर लाजमी फेंकती हूँ। रुको जरा सबर, इवन कि मैं गिरने वाली भी होती हूँ लेकिन बच जाती हूँ, हमेशा बच जाती हूँ। और यार ये कहते हैं इनमें ना स्नेक्स रहते हैं, अब पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, रहती होंगे वैसे, उन्हें तो कहना कि रहना ही होता है ना। मेरी फैमिली जो तेरी नहीं पा रही, एक तो ना इनकी बातें नहीं खत्म होती हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पे ना पत्थर पकड़ तो एक भी डर ही लग रहा है, ये ना हो कोई सांप शांप आ जाए मेरे पास और आके मुझे ही पकड़ ले। अरे फाइनली मैंने कुछ पत्थर पकड़ ही लिया हिम्मत करके, खैर अल्लाह बचाए, चलो हम इनको फेंकते हैं। हम लोग यहाँ पे सब कजन आते हैं ना, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यार किसका पत्थर कितनी दूर जाएगा, और ये सुनसान जगह है, इधर हमारे सिवा कोई भी नहीं होता, ना ही कोई होगा। 1, 2, 3, go! वाओ, एक और, बस इससे ज्यादा नहीं मैं फेंकूंगी। पर फोटोशूट चल रहा है मेरी बहन का, कभी कभी इतने खूबसूरत बातें देख कर दिल करता है कि इंसान परिंदा होता और इसके अंदर घूमता रहता, दिमाग घूम गया। मैं परिंदा बनकर तो नहीं घूमी लेकिन आपको ना ये घुमाकर दिखाते मेरा दिमाग जरूर घूम गया। बात ऐसा होता है कि ना मैं जब दोबारा अपना ब्लॉग सुनती हूँ तो मुझे मेरी आवाज इतनी अजीब लगती है कि मैं वो सुनती ही नहीं। बहुत से लोग तकरीबन 100 में से आउट ऑफ 80-70% लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आवाज पसंद नहीं होती जब वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं या कहीं भी वो सुनते हैं, तो इसलिए वो सुनते ही नहीं। मैं भी उनमें से एक ही, मुझे अपनी आवाज नहीं पसंद। तो गाइस यहाँ पर हम लोग एक चैलेंज करने लगे हैं, पत्थर फेंकेंगे, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी मामा है और मेरा भाई है। पहले समय तुम्हारी टर्न है, पहले तुम फेंको, देखते हैं किसका सबसे दूर जाता है। चलो 1, 3, go! किधर गया तुम्हारा, तो दूसरी तरफ चला गया। अब है मेरी टर्न, चलो 1, 2, 3, मैं चिटिंग करूंगी, मैंने इतने ज्यादा पकड़ लिया। 1, 3, go! इधर ही है मामा बाप की बारी है ना, उन्हें बदमामा दे। यार बस करो, कितनी स्ट्रीक्स बनाओगी तुम,
रोको, इस घर में ना एक ऐसा नमूना लाजमी होता है जिसका दिल कहता है कि वो जहाँ पर भी जाए ना वो पिक्चर लेता रहे और स्ट्रीज लेता रहे। और मौसी ये आदत घर में होती है, सबसे बड़ी बहन की सबसे छोटी बहन की, हमारे घर जो आदत है ना वो है सबसे बड़ी बहन की। इसके बाद हमने ऑर्डर किया था पिज्जा, अब हमारा पिज्जा आ गया, अब हम इसको खाएंगे। और ये खाना आते साथ ही आप इसके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। उसके बाद हमने पिज्जा खाया और हमारा आज का व्लॉग होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।